मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एफेड गिल आज नीली आंख से आपके सामने हाजिर है और स्लामर्स करता है। आज का शो मेरा 166 शो है, 166, और आज का शो बापों के नाम, हैप्पी फादर डे के नाम, और थोड़ा सा ईद मुबारक भी। जाहिर है हमारे मुस्लिम भाइयों की ईद है, मीठी ईद भी कहते हैं उसे, उसका भी जिक्र होगा शो में। जाहिर है फादर डे और मीठी ईद इकट्ठे आए हैं, और इस आज के शो में रहमत रजा साहब ने खूबसूरत पंजाबी में बाप के हवाले से नज़म लिखी, और वारिस गिल साहब और दो शेर खूबसूरत माँ बाप के हवाले से सर यूसुफ परवाज के, और मेरी शायरा शो में अक्सर पढ़ता हूँ, शकीला शफी गुल, बहुत अच्छी नौजवान शायरा है, उसका भी इस आज के शो में एक नज़म, एक नहीं बल्कि एक ईद के हवाले से और एक मोहब्बत के हवाले से गजल पढ़ी जाएगी। तो सबसे पहले तलावते कलाम पाक, और आज की तलावत खूबसूरत तलावत 18 जबूर, उसकी 20 आयत से लेकर 25 आयत तक पढ़ूंगा। खुदावंद ने मेरी रास्ती के मुआफिक मुझे जजा दी, खुदावंद ने मेरी रास्ती के मुताबिक मुआफिक मुझे जजा दी, और मेरे हाथों की पाकीज के मुताबिक मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं खुदावंद की राह पर चलता रहा और शरारत से अपने खुदा से अलग ना हुआ, क्योंकि उसके सब फैसले मेरे सामने रहे और मैं उसके आइन से बरगश्ता ना हुआ, मैं उसके हजूर कामल भी रहा, और अपने को अपनी बदगारी से बाज रखा। खुदावंद मुझे मेरी रास्ती के मुआफिक और मेरे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक जो उसके सामने थी बदला दिया। रहम दिल के साथ तू रहीम होगा और कामल आदमी के साथ कामल। आज के मीठे और जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हमें बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। तो मैं अपना शो शुरू करता हूँ, और सबसे पहले माँ बाप के हवाले से, सर यूसुफ प्रवास फिलाडेल्फिया में है, उन्होंने लिखा है, माँ की मोहब्बत बाप की शफकत याद आई, बिल्कुल बहुत याद आती है। वाकई जब बुजुर्ग चले जाते हैं, बड़े चले जाते हैं, खास तौर पर बाप जिसने उंगली पकड़ के हमें चलाया सिखाया, जब वो चला जाता है तो हम सबको, और मुझे भी, आपने फेसबुक पे तस्वीरें देखी होगी, मुझे भी बहुत याद आता है अपना बाप जिसने मुझे इस जगह तक पहुंचाया। मर्जी तो खुदा की, लेकिन जो मेरे बाप के हिस्से का था, तालीम और तरबियत, मेरी परवरिश, मेरे बहन भाइयों की परवरिश उसने बहुत अच्छे तरीके से की। तो माँ की ममता, बाप की शफकत याद आई, याद आई वे लॉस मोहब्बत याद आई। वाकई माँ बाप की मोहब्बत बहुत बेलौस मोहब्बत होती है, उसमें कोई किसी किस्म का लालच, कोई किसी किस्म का, जो हम दुनियावी तौर पर सोचते हैं कि किसी के लिए कुछ करें तो हम तो रखते हैं कि वो वापस हमको भी हमारे साथ करे करे, लेकिन माँ बाप कभी भी वो बच्चों के साथ जो कुछ करते हैं वो तवक्को नहीं रखते, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि बच्चों को कामयाब करना हर हाल में। मेरी सांस में जिनकी सांसें चलती हैं, मेरी सांस में मेरे बाप की, माँ बाप की, मेरी सांस में जिनकी सांसें चलती हैं, आज उनके सार की अजमत याद आई, आज फादर डे पर उनकी शफकत, उनकी कुर्बानियां,
याद आई। उसके बाद सैमसन वारस गिल साहब बहुत खूबसूरत लिखते हैं, अपने बाप के हवाले से, वारस साहब के हवाले से लिखते हैं, मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था आपने, मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था आपने, ढंग से जीने का सलीका बताया था। बिल्कुल, ये बाप की शफकत के जिसने हमें ढंग से हर अच्छी बात का ही हमें सिखाया, हर अच्छी बात पर ही हमें चलने की नसीहत की, खूबसूरत बातें बताई, और जिनको हमने उनकी बातों को सुना, जिन जिन लोगों ने, आज वो कामयाबी की मंजिल पर पहुंचे हुए हैं। ढंग से जीने का सलीका बताया था आपने, आपकी शराफत आज भी दिलों पे काबज है। बिल्कुल, आपकी शराफत आज भी दिलों पर काबज है, लोगों में बड़ा नाम पाया था आपने। बिल्कुल, अच्छा बाप वो लोगों में नाम पाता है, वो इस तरीके से कि जब आप अपने बच्चों को कामयाब कर लेते हैं तो फिर बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो माँ बाप, वो लोग जो हमारे जानने वाले या जिस जगह पे हम पैदा हुए, जिस जगह पे, चाहे हम दूसरे मुल्कों में भी पहुंच गए, लेकिन बाप का नाम मेरे साथ है, आगे मेरे बच्चों के साथ है, मेरे भाइयों के बच्चों के साथ है, वारस केल के बच्चों के साथ है, जैसे यूसुफ परवाज ने लिखा बहुत खूबसूरत बात, उनके साथ है, क्योंकि माँ बाप के बच्चे ही उनकी इज्जत को आगे बढ़ाते हैं जब कामयाबियां हासिल करते हैं। जैसे लोगों में बड़ा नाम पाया था, वो लोगों ने हमने अपने बाप का नाम बड़ा किया। आपने बतौर मुअल्लिम बहुतों को संवारा होगा, बहुत मुअल्लिम उस्ताद टीचर, ठीक है वो उस्ताद होंगे, ठीक है वो स्कूल में भी काम करते थे और वो पास्टर एज ए सल्वेशन आर्मी कैप्टन थे या मेजर थे, मैं उनको जाती तौर पर जानता हूँ, लेकिन बाप अपने बच्चों के लिए बहुत बड़ा मुअल्लिम होता है, बहुत बड़ा उस्ताद होता है, क्यों, हर अच्छी बात उसको समझाता है और हर बुरी बात से उसको टोकता है और कहता है कि सीधे रास्ते पर रहो। ये और मसीह मोहब्बत से अपना फर्ज निभाया था आपने, बिल्कुल मसीह की मोहब्बत में भी आपने, हमारे वालदैन ने, हमारे बापों ने अपना फर्ज निभाया था बहुत अच्छे। सर यूसुफ परवाज, सैमसन वारस गिल साहब, बहुत खूबसूरत आपने चंद अशआर लिखे अपने वालिद के मुतल्लिक, हमारे वालिद के मुतल्लिक, जितने भी बच्चे देख रहे हैं हम सबके वालिदों के मुतल्लिक ये लिखे गए। मैं एक बार भूल गया कि ये जो आप देख रहे हैं ये बैच लगा हुआ है ग्रैंड पा नंबर वन, ये मेरे पोतों ने मुझे लगाया कि आप ग्रैंड पा नंबर वन है, और उसका शुक्र हो कि उसने मुझे अपने पोते देखने का, बातें सुनने का शरफ बख्शा, और आप सबको भी खुदा ऐसे ही शरफ बख्शे कि आप अपने बच्चों के बच्चे देखे। मैं ये याद रखता हूँ हर वक्त, मेरे पोतों ने दिया नंबर वन ग्रैंडपा, थैंक यू बेटा, आप सबको बड़ी बरकत दे। इसके बाद बहुत खूबसूरत गजल नजम रहमत रजा साहब टेक्सास डेलिस में है, यूएसए में, उन्होंने लिखा पंजाबी में, बहुत खूबसूरत लिखना अपने बाप के मुतालिक, मेरे सामा देवे चाज भी सामा अब्बा तेरिया ने, कोई शक नहीं रजा साहब, कोई शक नहीं, सास तो ऊपर वाले की वजह से, लेकिन बाप की वजह से ही हम इस दुनिया में आते हैं, तो मेरिया सावा दे विच अज भी सावा अब्बा तेरिया ने, मेरिया अखा दे विच अज भी चावा तेरिया ने। बिल्कुल, हम याद तो हर वक्त करते हैं, लेकिन जब ये खास दिन आते हैं उस वक्त हम वाकई याद करते हैं कि अब्बा पापा या जो भी डैडी कहते हैं कि तेरिया ही सारिया चावा ने, सारी चाहत तेरी है कि तू सानू
इतो तक पहुंचा दिता है। मेरी नस नस दे विच नस दी है जरूरत भी तेरी, मेरी नस नस दे विच नस दी है जरूरत भी तेरी है। अगर बाप जरूरत वाला होगा तो बाप भी बच्चे भी आगे जरूरत वाले होंगे, इसमें कोई शक नहीं। मुझे अपने बाप की एक बात याद आज, बहुत दलेर आदमी था, बहुत बोलने वाला था। जब मैं बोलता हूँ तो मुझे याद आता है वाकई के मेरे पापा जी ने भी बहुत जरूरत वाले और सच्चे आदमी थे। दस दी है जेड़ी मेरे दिल विच सूरत भी तेरी है, दस दी है जेड़ी मेरे दिल विच सूरत भी तेरी है। मेरे दिल च जो कुछ भी है तेरी सूरत कायम है, वो तू चला गया, वो सारे जाने उत्ते चला गया, लेकिन तेरी सूरत हर वक्त मेरे दिल से विच मौजूद है, साडे सारे आदे दिलां विच मौजूद है। असी कदी भी अगर असी सच्चे तरीके नाल अच्छे तरीके नाल अपने बाप नू याद करिए कि जिन्हें साडे लई मजदूरियां कर करके इत्थों तक पहुंचाया, ते ओदी सूरत साडे दिलां दे विच हर वक्त मौजूद है, कदी नहीं असी उस सूरत नू भुल सकते। सोहणियां रुत्तां चार सफेरे दुआवें दुआवां अब्बा तेरियां ने, बिलकुल सोहणियां रुत्तां जो कुछ भी है अब्बा असी सब कुछ तेरी वजह नाल आ। मेरे सर ते हुण तक भी साया अब्बा तेरा है, मेरे सर ते हुण तक अब्बा साया तेरा है, दौलत शोहरत इज्जत इज्जत दा सरमाया भी अब्बा तेरा है। जो कुछ मैं या जो कुछ आप हैं जिथे भी असी है वो सारे अपने बाप की मेहरबानी नाल है, जिन्हें साढ़े ते चाहे वो अच्छे जाप करते सन चाहे वो मेहनत मजदूरी करते सन, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों लई साढ़े लई इत्थों तक कीता कि सानू अच्छी एक मंजिल दे दी। अगो साडे बच्चे भी जाहिर है कि अच्छे ही पढ़ेंगे, तो खुदा आपको हमारे वालदैन को बहुत अच्छी जगह दे, उनको अपने ज्वारे रहमत में रखे। साडिया सारिया खुशियां दे लई दुखड़े तू ही जरदा सर, बिलकुल साडिया खुशियां लई केड़ा मां बाप ने जेड़ा बच्चों की खुशी लई दुख दर्द नहीं सहिंदा। साडे मां बाप ने सहा, असी भी अगो बर्दाश्त किया सब कुछ, ते बच्चों नू मंजिलों तक पहुंचाया। कला बह के विच हवा दे आना हावा बरता सा, कला बह के विच हवा दे इनिया हावा भरदा सा, मेहनत मजदूरी कर दे कुछ भी कर दे कला ही हवा भरदा रहिंदा सा, खुदावंदा दुआवां भी करता रहिंदा सा कि मैं अपने बच्चे नू या अपने बच्चियां नू अच्छी मंजिल पहुंचावा। अगर बेटियां ने पढ़ा के उन्हां दी अच्छियां शादियां करा ते सारा उस प्यो नू अजर जांदा है। मेरे सारियां खुशियां दे विच खुशियां अब्बा तेरियां ने, मेरे सारियां खुशियां दे विच खुशियां अब्बा तेरियां ने, बिलकुल इच कोई शक नहीं। जो भी अज असी खुशहाल हाँ सारिया खुशियां असी अपने बाप की वजह ना वेने, जेड़ा दिन रात यही सोचता सी कि मेरे बच्चे एक अच्छी मंजिल एक अच्छे पढ़े लिखे नजर आओ ते साडा मां बाप का नाम रोशन होवे। और वाकई बच्चे ही मां बाप का नाम रोशन करते ने। वेखी अब्बा ए बड़ा खूबसूरत शेर, बहुत खूबसूरत शेर, वेखी अब्बा एक दिन मैं भी कोल तेरे आ जावांगा, क्या बात है रहमत साहब बहुत अच्छा। वेखी अब्बा एक दिन मैं भी कोल तेरे आ जावांगा, अपनिया गजलां अपने गीत तेरे नाल मैं गावांगा। बिलकुल मैं भी सोचना कि जीसस लिंक टीवी मैं भी अपने प्यो दे सामने बोलांगा कि मेरे गीत ने जेड़ा मेरे प्यो ने मेनु जाती तौर तो सुने महफलां दे विच ते काफी दस देंदे सन मेनु कि तू अच्छा गाउना है, ते हुण भी जाहिर है जदों साडा वक्त आएगा उन्हां दा वक्त आया और चले गए, साडा वक्त आएगा रजा साहब दा मेरा या जिन्ने भी शायर हजरात ने
गौण वाले ने तसी अपने प्योवा नु जाके उथे अपनी गजला ते गीत सुनावांगे तो खुश होणगे कि तुसां दुनिया च साडा नाम रोशन कीता है। अपनी गजला अपने गीत तेरे नाल मैं गावांगा, मेरे गीता गजलां दे विच अदावा रब्बा तेरिया। बहुत अच्छे, मेरे गीता गजलां दे विच अब्बा अदावा जो भी ने वो तेरिया ने सारियां तेरे कोलो सिखिया, क्योंकि जदो असी बच्चे हुन्ने ते साडे लई सब तो वड्डा हीरो जेड़ा वो साडा प्यो हुंदा उस वक्त असि जरूर मानने हीरो, लेकिन कदी कदी बच्चे लाइन तो उतर जाते ने, लेकिन फिर भी बच्चे मां बाप नू जरूर याद रखने ने। मेरिया सावा दे विच अज भी सावा अब्बा तेरिया ने, मेरिया अखा दे विच अज भी चावा तेरिया ने। बहुत खूबसूरत। उसके बाद सैमसन गिल साहब ने एक लाइन लिखी बहुत खूबसूरत, औलाद ऐसी अजीम नेमत है जो कड़ी धूप में भी ठंडी छांव का ठंडी छांव की मानद होती है। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की दुआओं के लिए, मेरी आंखों की सर्जरी हुई, उन्होंने लेंस रखे मेरी आंखों के पीछे डॉक्टरों ने, तो बहुत खूबसूरत नजर आता है। ये उसकी रहमत है कि मेरे सारे प्रोसीजर ठीक हुए, लेकिन इन सारे प्रोसीजर में मेरा बेटा काफी दूर था मुझे, जो डॉक्टर के पास जाना पड़ता सुबह सुबह लेके जाता, जितनी मेरी अपॉइंटमेंट होती वो मेरा बच्चा लेके जाता। मेरी बहू मेरे लिए जितने भी काले हैं मेडिकल की इंश्योरेंस की बहुत सारी करते हैं। तो वाकई एक बच्चे, अच्छे बच्चे जो है वो नेमत होते हैं, क्योंकि वो कड़ी धूप में भी आपके लिए ठंडी छांव होती है। तो बच्चों को तो देख के याद करके ही हम जो है वो खुश हो जाते हैं, दिल बाग बाग हो जाता है कि हमारा पोता, हमारे पोते, हमारे बच्चे के बच्चे हैं, और बच्चे को देखकर भी दिल बाग बाग होता है कि ये हमारा बेटा है। हम सबका, जितने हम माँ बाप हयात है हमारे से बड़े या हमसे छोटे, तो बहुत खूबसूरत। तो उसके बाद एम आदमी बहुत अच्छी बात लिखी है, भी बाप सांस लेते हुए भी मर जाते हैं। कई बार बच्चे जब नेगलेक्ट करते हैं माँ बाप को, उस हवाले से ये तहरीर है, पोस्ट है, तो उन्होंने लिखा है, जैसे औलाद का इख्तियार और वालद का इख्तियार घटता जाता है। बिल्कुल, जैसे औलाद का इख्तियार और वालद का इख्तियार घटता जाता है, वैसे वैसे ही बाप मरना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि जिस बाप ने आपके लिए इतना कुछ सोचा, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर उनको इतना नहीं पूछते जितना उनको पूछना चाहिए, उस वजह से फिर बाप जो है उसकी सोच जो है वो दूसरी मंजिल की तरफ चली जाती है, जो मंजिल ऊपर को जाती है। जब बच्चा ताकतवर जवान होने लगता है तो बाप का हाथ बाजू का इस खौफ से भी उठने से रुक जाता है कि कहीं बेटे ने भी पलट का जवाब दे दिया तो इस क्यामत को मैं कैसे सहूंगा। बिल्कुल, जब बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप तो चाहे वो बच्चों के बच्चे भी उनके हो जाए, माँ बाप हर वक्त यही सोचते हैं कि इनको सीधे रास्ते पर चलाऊं, इनको अच्छा बताऊं, लेकिन बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर वो इन बातों को माँ बाप को इग्नोर करते हैं। तो कभी भी बाप फिर दोबारा जरूरत नहीं करता, जो कभी 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 उसको थप्पड़ मार के सीधे रास्ते पर लाता था, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर बच्चा बाप जो है घबराता है कि कहीं मैं ज्यादा इनसे बोलूं तो पलट कर मेरे ऊपर वो ना कोई हाथ उठा दे, या पलट के मुझे ना बात को कह दे, जिससे कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैं वो सारी बातें कैसे बर्दाश्त करूंगा। जब बच्चे अपने फैसले खुद करने लगे और फैसले लेने के बाद बाप को गार ना करके हुज्जत पूरी जानने लगे, तो बूढ़ा बाप शख्स तो जिंदा रहता है पर उसके अंदर का बाप मरना शुरू हो जाता है। सीधी सी बात,
बच्चे पूछते हैं माँ बाप को, कई बार कोई काम करते हैं तो कई बार नहीं पूछते, तो जब वो फैसला कर लेते हैं कि हमने ये काम कर लिया है तो फिर अब्बे को एक फर्ज समझकर बताते हैं कि अब्बा जी हमने ये काम किया है, तो अब्बा फिर वो इतना खुश नहीं होता, तो अपने आप को वो तो बूढ़ा शख्स तो जिंदा रहता है लेकिन वो उस खुशी के हिसाब से नहीं रहता जिस खुशी के हिसाब से उसको रहना चाहिए, पर उसके अंदर का बाप मरना शुरू हो जाता है, कमजोर हो जाता है बाप, तो फिर वो अंदर ही अंदर मरना शुरू हो जाता है। बाप इस वक्त तक जिंदा रहता है जब तक औलाद पर उसका हक कायम है, बिल्कुल बाप खुशी से उस वक्त तक जिंदा रहता है जब बाप का हक उस पर मौजूद कायम रहता है, लेकिन जब बच्चे अपने बाप का हक उसे ना पूछ के छीन लेते तो फिर बाप की उम्र कम होनी शुरू हो जाती है। तो जैसे औलाद से उसने इतनी मोहब्बत की कि अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे थप्पड़ भी मारा, बिल्कुल माँ बाप अच्छी नसीहत के लिए सीधे रास्ते पर उसको कभी कभी थप्पड़ भी मारते हैं लेकिन बाद में वो रोते हैं कि मैंने अपने बच्चे को क्यों मारा, लेकिन उसको सीधे रास्ते पर उसकी तरबियत के लिए ये बहुत जरूरी होता है। औलाद के आंसू भले कलेजा चीर चीर रहे हों पर फिर भी इसलिए डांटा कि कहीं ना समझ औलाद खुद को बड़ी तकलीफ में मुब्तला ना कर बैठे, बिल्कुल अब कभी माँ बाप ने सख्ती की वो सिर्फ इस वजह से कि कहीं हमारा बच्चा, जैसे आजकल का दौर है बहुत सारी तंजीमें तहरीकें क्या कहनी हमारे मुल्क में, तो बाप कोशिश करता है कि हमारा बच्चा सख्ती करता है कि कहीं किसी गलत रास्ते पर ना चला जाए। बहुत अच्छे। उसके बाद फिर एक और पोस्ट है, आदमी भीगी आंखों और जख्मी दिल के बावजूद हम उस वक्त तक जीत जाते हैं जब चाहत खलूस अतबार और सादगी का मजाक बनता देखते रहते हैं, पर फिर भी हमारे अंदर से अच्छा और सच्चाई का जज्बा खत्म नहीं होता, बिल्कुल जो अच्छे इंसान अच्छे लोग हैं वो सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, जो कुछ भी बुराई उनके साथ होती है, लेकिन उनके दिल से अच्छाई का जज्बा कभी खत्म नहीं होता। जो अच्छे इंसान है हमेशा सच्चे इंसान के वो हर चीज को बर्दाश्त करते हैं और इसी वजह से वो कामयाब जिंदगी गुजारते हैं, अगर इसी तरह नहीं भी लेकिन जब उनका आखिरी वक्त आएगा तो ऊपर जाके, जैसा कि मैंने आज जबूर 18 में ये हवाला पढ़ा है, तो ऊपर जाकर उनको खुदा अच्छी बातों का अच्छा अजर देगा। बहुत खूबसूरत एक और पोस्ट नासिर परवेज साहब की, मुस्कुराहट मुस्बत सोच पैदा करती, बिल्कुल मुस्कुराहट मतलब कोई आपको बुरा भी कहते हैं तो आप मुस्कुरा देते हैं, वो मुस्बत सोच होती है, वो मुस्बत सोच पैदा करती है और हकीकी सोच कभी मायूस नहीं होने देती, जो हकीकत में अच्छी सोच है वो आपको मायूस नहीं होने देती और जो कभी मायूस नहीं होते उनकी उम्मीदें हमेशा जिंदा रहती हैं, बिल्कुल जो मायूस नहीं होते वो उनकी उम्मीदें हमेशा जिंदा रहती है, क्योंकि वो दिलेरी से हर सख्ती को हर बुराई को बुरी सोच रखने वाले को बर्दाश्त करते हैं और उनके लिए दुआई करते हैं और इसी वजह से वो जिंदा रहती हैं उनकी सोचें, और जिनकी उम्मीदें हमेशा जिंदा रहते हैं वो कभी हारते नहीं, बिल्कुल बल्कि मंजिल खुद गुमनामियों में से ढूंढ निकालती है, उन्हें गुम भी हो जाए कितने भी पीछे चले जाएं लेकिन मंजिल उनको उनकी गुमनामियों से ढूंढ निकालती है, लिहाजा जेब से पैसे हो या ना हो लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट लाजमी है, कुछ भी हो आपकी जेब खाली हो भले लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट हर वक्त
रहनी चाहिए। ये बहुत बड़ी मुस्बत सोच है। ईद हो जाए, शकीला शफीक गुल, ईद पर अपने बहन भाइयों के लिए सबको ईद मुबारक। जाना अगर तेरी ईद हो जाए, जाना अपने महबूब को या अपने दोस्त को कह रही है, जाना अगर तेरी ईद हो जाए तो मेरी ईद हो जाए। बहुत अच्छा, तेरी दीद हो जाए, तेरा दीदार हो जाए और मेरी ईद हो जाए। मिट जाए मेरी जिंदगी से गम का गम की हर स्यार। क्या बात है, मिट जाए मेरी जिंदगी से हर स्यार रात, रोशन हो तेरी आमद से मेरे दिल की कायनात। क्या बात, ईद पर अगर आपकी दीद हो जाए, दोस्त की, सहेली की, किसी भी लिहाज से आप ले ले तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। जैसे एक बहुत बहुत गाना मशहूर था मैं भी हसन खान साहब का, कि ईद का दिन है गले मिलो। क्या बात थी, बहुत खूबसूरत गीत गाना था वो, गजल थी वो, बहुत अच्छी तरह से खान साहब ने उसे गाया। तो यही बात शकीला शफीक गुल साहबा कह रही है, अगर तेरी चाहत की सहर सहरे नूर हो जाए, अगर तेरी चाहत मिल जाए तो क्या खूबसूरत सुबह हो जाए, मैं भी खुशी के चंद लम्हे जी लूं। क्या बात, इतनी ज्यादा दासी के देखकर मैं चंद लम्हे ही जी लूं तो तेरे साथ ही का जामे मसरत पी लूं। क्या बात, इतनी खुशी के तू मिल जाए कि तेरे साथ मैं खुशी का एक जाम पी लूं, जिससे मेरी ईद भी हो जाए और तेरी दीद भी हो जाए। अगर तेरे आने की उम्मीद हो जाए मेरी ईद भी हो जाए, तेरी दीद भी हो जाए। बहुत खूबसूरत शकीला साहब, खुदा आपको बरकत दे। इसके बाद टीना विलियम ने बहुत अच्छे दो शेर लिखे हैं, यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, बिल्कुल कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत सारे दोस्त हम अच्छे काम करते हैं, थोड़ी सी हम उनको भी डांट पिला देते हैं, वो हमें अपने रास्ते की दीवार समझते हैं, क्योंकि वो सीधे रास्ते पर नहीं होते, इसलिए हम जैसे लोगों को वो अपनी रास्ते की दीवार समझते हैं। मैं समझता था कि मेरे समझते हैं मुझे, मैं ये समझता है कि मेरे दोस्त जो भी थे अच्छे थे, वो मुझे अच्छी तरह समझते थे, जानते थे, लेकिन वो उन्होंने नहीं मुझे समझा। हम सबको जितने भी अच्छे लोग हैं उनको वो नहीं समझते, इसलिए कि हम अच्छी और सच्ची बातें करते हैं। तो मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, बिल्कुल मैं बदलते हुए हालात में ढल जाता हूँ, कैसे भी हालात हो, अच्छे हो बुरे हो, मैं अपने आप को उसमें ढाल लेता हूँ, उसमें मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि मैं हर हाल में खुश हूँ। देखने वाले अदा कर समझते हैं, और लोग मुझे समझते हैं कि तो हर हाल में खुश है और मुझे वो अदा कर समझते हैं, तो ये ऐसे ही रस्मन अदाकारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा टीना विलियम साहब। उसके बाद फिर नासिर परवेज साहब बहुत अच्छा लिखते हैं ये, अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो बादलों की बगैर थके हुए सफर जारी रखो। बिल्कुल, अगर सूरज की मानद चमकना चाहते हो तो बादल जो हर वक्त चलते रहते हैं, हमारे लिए बारिश भी बरसाते हैं, वो इतना वजन उठा के चलते रहते हैं लेकिन वो थकते नहीं, तो आपको भी इसी तरह बादलों की तरह अपना सफर जारी रखना चाहिए है। सफर जारी रखो, फिर देखना आपके इर्द गिर्द घूमे बगैर किसी का दिन शुरू नहीं होगा। जो आपके इर्द गिर्द घूमते हैं, जब उनको पता चल जाएगा ये तो मजबूत इंसान है, खुशहाल इंसान है, तो फिर उनका कोई दिन भी आपको देखे बगैर वो आपके चागिर्द घूमते रहेंगे और अपने आप को खुशकिस्मत समझेंगे। ये आपकी दोस्ती हासिल करने के लिए सैमसन सोत्रा बहुत अच्छा, जिंदगी से चंद जिद करनी छोड़ दो। बिल्कुल, जिंदगी से आप नहीं लड़ सकते,
उससे जिद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जिंदगी उसकी है जो हमें हर अच्छाई और बुराई से बाज रखता है, अच्छाई भी दिखाता है और कभी कभी बुराई भी आती है। तो को लिए कुछ सिले इस जिंदगी से जिद करना छोड़ दो, कुछ सिले इस जहां के लिए नहीं होते। सभी ख्वाहिशें, बहुत खूबसूरत बात है, सभी ख्वाहिशें इस दुनिया में हो पूरी होने लगे तो अगले जहान के लिए क्या बाकी रह जाएगा। बिल्कुल, कि अगर हमें सारी खुशियां इस जहान में पूरी हो जाएंगी तो अगले जहान में क्या रह जाएगा। एक बहुत खूबसूरत सोचने वाली बात है कि अक्सर फेसबुक पे डालते हैं जी क्या जिस घर में मौत हो उस घर में खाना नहीं खाना चाहिए। असल में ये होता है कि खाना वो घर वाले नहीं पकाते। यहाँ भी मेरे घर में, पाकिस्तान में, कोई भी मेरे घर से, मेरा भाई, मेरी और भी अजीज मर, जिन लोगों को पता चलता है भाई उसका कोई अजीज चला गया, भाई चला गया, तो फिर वो खाने लाना शुरू कर देते हैं। मैं नहीं उनको कहता, लेकिन वो अपनी खुशी पूरी करते हैं। दुनियावी तौर पर अच्छी बात है, कम्युनिटी के तौर पर, कि वो हमारे साथ हमारे काम में शरीक होते हैं। जाहिर उनको पता कितने लोग अफसोस के लिए आएंगे तो सबको फिर वो खाना खाना पड़ता है। बल्कि अगर कोई ना भी खाए तो हम कहते हैं कि थोड़ा सा जरूर इसमें शेयर करें। लेकिन यही एक अबारत है कि गरीब फैमिली जिसमें 5 अफराद थे, बाप हमेशा बीमार रहता था, आखिर में मर गया। 3 दिन तक पड़ोसियों ने खाना भेजा, माँ ने कुछ दिन पैसे ऐसे तैसे करके बच्चों को खिलाया, फिर फाके पड़ने लगे, जिसकी वजह से 8 साल का बेटा बीमार पड़ गया। जाहिर है बाप की शफकत सर से उठ गई। जिस बाप के हम आज दिन मना रहे हैं, जब उसकी शफकत वो सर से उड़ जाती तो बच्चों का क्या हाल होता है। तो वो भूखे मरने लगे, फाके पड़ने लगे, जिसकी वजह से 8 साल का बेटा बीमार पड़ गया। 5 साल की बच्ची ने माँ के कान में पूछा, भाई कब मरेगा। ये सोचने वाली बात, एक बच्ची सवाल कर रही है अपने माँ से कि भाई कब मरेगा। माँ तड़प कर ऐसा क्यों पूछ रही हो। बच्ची ने मासूमियत से कहा कि अम्मा भाई मरेगा तब ही घर में खाना है। ये देखो, गरीब बच्चा, मासूम बच्चा, उसके जहन में तो उसको नहीं पता कि बाप चला गया वो वापस नहीं आएगा, भाई बीमार है वो मर गया तो वो भी आप वापस नहीं आई। लेकिन वो बच्ची है, मासूम बच्ची है, उसके जहन में कि भाई मरेगा फिर लोग खाने लाएंगे तो फिर हम 4 दिन अच्छे गुजार लेंगे। तो बच्ची ने मासूमियत से कहा, अम्मा भाई मरेगा तब ही घर में खाना है। इतनी बात, वो हमें जरूर अपने पड़ोसियों का, गरीबों का, यतीमों का ख्याल रखना चाहिए। ईद का मौका है तो हमें इन बातों को सोचना चाहिए। रोजे जरूर रखें, लेकिन रोजों से हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ा, हमारी रोजों से कोई तब्दीली आई, हम दिन रात रोजे रखे, नमाजें पढ़ी तो कोई तब्दीली आई हमें, ये बड़ी बात है कि इतनी इबादत, इतनी रफाकत, इतनी सब कुछ करने के बाद, अपने आप को भूखा रखने के बाद कोई तब्दीली आई हमें, ये ईद है, ये रोजे हैं। तो उसके बाद शकीला शफी गुल मोहब्बत, बहुत खूबसूरत गजल लिखी मोहब्बत के नाम से। नफरत की तीरगी में मैं एक नूर है मोहब्बत। बिल्कुल, मोहब्बत की सारी नफरत की जिंदगी में मोहब्बत जो है एक नूर की तरह है, एक चमकती चीज की तरह है। कि नफरत हो तो फिर मोहब्बत भी जरूर वहां होती है। बेकरार दिलों का कैफो सरूर है मोहब्बत। जो बेचैन बेकरार लोग हैं, जो उनके लिए जो मोहब्बत है वो सरूर की तरह है, नशे की तरह है। चैन है मोहब्बत, दश्त में बारिश की सूरत है मोहब्बत। बिल्कुल, जब बारिश नहीं होती
दश्त में, जंगल में, तो कितनी वैरानी जानवरों के लिए मुश्किल हो जाती है। दश्त में, जंगल में कोई खुराक जानवरों को नहीं मिलती और कई मुश्किलें आ जाती हैं। तो चमन में, दश्त में बारिश की सूरत है मोहब्बत, वो बारिश जो रैम पे अब्रे रहमत होती है वो मोहब्बत की तरह उस जंगल में, चमन में गुलो गुलो बुलबुल की जरूरत है मोहब्बत। वाकई जहाँ फूल हो गए तो वहां गुलो बुलबुल होगी, तो वो उन पर फूलों पर मोहब्बत होगी, क्योंकि बुलबुल फूलों पर ही आती है। तो ये बुलबुल तो ये पाकिस्तान इंडिया में होती है, यहाँ पर ये चीजें मैंने नहीं देखी, ना कोयल देखी है ना बुलबुल देखी है, होंगे लेकिन जिस लिहाज से वहां खूबसूरत आवाजें इनकी लगती हैं यहाँ पर नहीं। तो कभी कभी सूली पे मंसूर को चढ़ाती है मोहब्बत। मैं इसको दूसरी तरफ अगर ले जाऊं कि हमारी मोहब्बत की खातिर ही खुदा यीशु मसीह में, मैं इसको जो मोहब्बत है ऊपर की मोहब्बत की तरफ ले जाता है कि उसने मोहब्बत ही शो की, हमारी मोहब्बत ही खातिर उसको सूली पर चिढ़ा दिया क्या। तो कभी शोलों को गुलजार बनाती है, शोलों को गुलजार बनाती है मोहब्बत। बिल्कुल ये मोहब्बत ही है कि जो शोले आग बरसती है, लेकिन मोहब्बत उस आदमी को बदल देती है। वो कितना भी सख्त आदमी हो, किसी भी हवाले से हो, तो अगर आप मोहब्बत से पेश आएंगे तो एक वक्त आएगा कि वो सोचेगा कि ये तुम मेरे साथ बड़ी मोहब्बत और प्यार से पेश आ रहा है, तो फिर वो मोहब्बत में सब कुछ बदल जाएगा। फरहाद बहुत अच्छा शेर, फरहाद बन के पहाड़ खोदती है मोहब्बत। बिल्कुल फरहाद को ये कहा गया कि जा तू पहाड़ से दूध की नार निकाल के आ, ये किस्सा सबको पता है। तो बहुत खूबसूरत हवाला दिया शकीला आपने। तो फरहाद बन के पहाड़ खोदती है मोहब्बत, फरहाद बन के ही मोहब्बत जो है वो उसने पहाड़ को खोदा और वाकई सच्ची मोहब्बत की और खोता गया और आखिर वाकई उसमें से दूध की नहर निकल आई। मोहब्बतों की तरह दश्त रौंदती है मोहब्बत। तो क्या वो किस्सा है मजनू और लैला का कि वो दश्त में भी लैला ने उसे कहा कि जा जंगल में बैठ जा, मैं आ रहा हूं, मेरा इंतजार कर। पता नहीं है बहुत सारे जो बातें मशहूर है इस हवाले से। तो मजनू बेचारा जंगल में बैठ गया, बैठा रहा और इतनी देर बैठा कि लैला को याद ही नहीं रहा कि मजनू मेरा इंतजार कर रहा है और उसके गिर्द इतनी मोहब्बत के घास होकर के उग गई और वो बैठा इतनी सच्ची मोहब्बत कि वो बैठा फिर भी अपनी लैला का इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छा, मोहब्बत की तरह दहशत रोनती है मोहब्बत कच्चे घड़े पे। बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा हवाला दिया है, कच्चे घड़े भी तैर लेती है मोहब्बत। क्या बात है, कच्चे घड़े पे तैर लेती है मोहब्बत, बेखुदी में उंगलियां कटवाती है मोहब्बत। तो ये सब कुछ मोहब्बत ही बर्दाश्त करती है के सोनी कच्चे घड़े पे उसने नहीं देखा, लेकिन उसने उसको महीवाल को मिलने के लिए इस पे तैर गई। उसको पता ही नहीं मोहब्बत में कि मैं देखूं कि ये घड़ा कच्चा है कि पक्का है, लेकिन वो तैर गई और रास्ते में घड़ा जहर मट्टी का था वो पानी में खुल गया और वो खत्म होगी और उसका महबूब भी उसके साथ डूब मरा। तो बहुत अच्छा हवाला दिया है, मिस्र की मंडियों में बिकती है मोहब्बत। बहुत अच्छा, मिस्र की मंडियों में बिकती है मोहब्बत, हिजरतों के अजाब भी सहती है मोहब्बत। मोहब्बत सब कुछ बर्दाश्त करती है, हिजरत जुदाई। क्या क्या शकीला ने बहुत अच्छे हवाले दिए कि हिजरतों की अजाब भी सहती है मोहब्बत। आखिरी शेर, अरफान में डूबी बेखुदी है मोहब्बत, अरफान में डूबी
बेखुदी है मोहब्बत, किसी को पाने का जुनून है मोहब्बत। बिल्कुल, किसी भी चीज को पाने के लिए जुनून है, मोहब्बत है, जुनून है। जरूरी नहीं कि दुनियावी मोहब्बत ही है, आप हकीकी मोहब्बत की तरफ, जुनून की तरफ जाएं, खुदा की तरफ जुनून की तरह जाए, महसूस करें तो खुदा जरूर मिल जाता है, खुदा आपकी दुआ को सुन लेता है। बहुत खूबसूरत लिखा, और इसके जवाब में मोहम्मद अनवर साहब है, उन्होंने कमेंट्स दिए शकीला को कि दोस्ती का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। बहुत अच्छे मोहम्मद अनवर, दोस्ती का तोहफा हर किसी को नहीं मिलता, ये वो फूल है जो हर बाग में नहीं खिलता, और इस फूल को कभी टूटने मत देना। दोस्ती का, मोहब्बत का ये जो तोहफा है हर किसी को नहीं मिलता, सच्ची मोहब्बत का जो शकीला ने लिखा है वो तोहफा हर किसी को नहीं मिलता। तो आप सबको हैप्पी फादर डे, और मेरे मुस्लिम बहन भाइयों को सबको ईद मुबारक। आप ईद की खुशियों में, मीठी जिसे कहते हैं, हमने भी देखी है पाकिस्तान में, तो जरूर आप खुशियां मनाएं, अपने दोस्तों को याद रखें, गरीब लोगों को, मस्किनों को, यतीमों को, उनको भी जरूर मीठी ईद में याद रखें। तो सबको खुदा अपनी बरकतों और फजलों से नवाजे, और अपनी हिफाजत अपना में रखें, और सबको इन दिनों में बाप को याद करने के लिए और ईद की खुशियों में आप सब खुश रहें और हमेशा हमेशा खुश रहें। आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।